तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मेटिंग कंसेप्ट। देखिए, जब भी हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो उस रिपोर्ट के चार पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है एनालिसिस, दूसरा पार्ट होता है फॉर्मेटिंग, तीसरा पार्ट होता है कैलकुलेशन एंड चौथा पार्ट होता है रिप्रेजेंटेशन। अब वन बाय वन समझते हैं। पहला एनालिसिस हुआ, मतलब कि हमने रिपोर्ट पे को बनाना है, किस तरीके से बनाना है, उसका हम डिजाइन तैयार करते हैं। थ्योरिकल पार्ट होता है, कुछ लोग तो उसको अपने नोट पैड पर भी करते हैं, सॉरी पेन पेंसिल से। दूसरा पार्ट होता है, वो होता है आपका फॉर्मेटिंग। ये फॉर्मेटिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब फॉर्मेटिंग इम्पोर्टेंट क्या क्यों होता है, चलिए इसको जानते हैं। इसके लिए सिंपल सा कुछ रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, और रिपोर्ट को देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने टेम्पलेट में ही देख सकते हैं। टेम्पलेट यहाँ ये आप रिपोर्ट देख रहे हैं, मान लीजिए रिपोर्ट को हम लेते हैं, इसी रिपोर्ट को हम लेते हैं, तो इस सिंपल सा रिपोर्ट है। तो इसमें फॉर्मेटिंग मतलब हुआ कि देखिए किस तरह से इसने डिजिटली इसको अरेंज कर रखा है, फॉर्मेट हर चीज, ताकि उसको देखने में हमें समझने में इजीली हो, इसको कहते हैं हम फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑटोमेटिक होता है, मैनुअल होता है, कंडीशनल होते हैं, बहुत सारे चीज की फॉर्मेटिंग, तरह तरह की फॉर्मेटिंग है, लेकिन फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला लगाया जाता है ऐसा। तो आप अपने टेम्पलेट में या फिर अलग अलग रिपोर्ट फॉर्मेट में आप देखेंगे कि फॉर्मूला वगैरह तो लगा है, लेकिन उससे पहले बनाया गया है उसकी फॉर्मेट। अब फॉर्मेट ठीक नहीं होता, जैसे मान लीजिए कैलेंडर को ही देख लीजिए, सर मेरी कैलेंडर बना हुआ है, मैं कैलेंडर को ही डाउनलोड करता हूँ। क्या हो गया, तो ये आप देख रहे हैं ना कि इसको किस तरीके से अरेंज किया गया है इजीली क्या। तो जितना अच्छी फॉर्मेटिंग होता है उतना अच्छा रिपोर्ट होता है। देखिए, आप होटल में खाना खाने जाते होंगे तो डेकोरेटेड खाना देखने में पसंद बहुत अच्छा लगता है क्या, तो ये समझिए कि आपकी रिपोर्ट की डेकोरेशन है। तो अगर आपकी इंफॉर्मेशन कितनी भी यूजफुल क्यों ना हो, अगर उसको फॉर्मेटेड तरीके से नहीं दिया गया है तो हर कोई उस पर ध्यान नहीं देगा मोस्टली, ठीक है। लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन उतनी अच्छी नहीं है, उतनी इन्फॉर्मेशन यूजफुल नहीं है, लेकिन उसको इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, तो हर कोई उसको एक बार देखेगा जरूर। तो इसलिए फॉर्मेटिंग इम्पोर्टेंट होता है। तो फॉर्मेटिंग में आपका नॉर्मल, जैसे आप बोलेंगे कि हम यहाँ पे कलर कर देते हैं या बॉर्डर लगा देते हैं, ये चीज़ तो आप नॉर्मल करते ही करते हैं, लेकिन इसी में कुछ ट्रिक्स है हमारे पास फॉर्मेटिंग का, उन पे हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि जिसको नॉर्मली नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ बेसिक है, कुछ एडवांस है, चलिए आपके सामने हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10th और एंटर मारा या स्पेस मारा तो TH ऊपर गया, चला गया ना सर, ST आपका ST ऊपर चला गया। लेकिन ये चीजें आपकी एक्सेल में नहीं होती है कि अगर मैं 21 में ST डालो या 10th TH डालो तो ऊपर नहीं जाएगा। मैं चाहता हूं कि ऊपर चला जाए, इसके लिए क्या करेंगे, ये मैनुअली आपको करना पड़ेगा। आप शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट कीजिए और फॉन्ट में यहाँ क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट मिलेगा, सुपर स्क्रिप्ट कीजिए आपका आ जाएगा। तो मतलब कि आपको 10, जैसे मुझे 10 डिग्री लिखना है 10, अब यहाँ पे ओ डिग्री के लिए स्मॉल ओ लिखे और फिर इस ओ को आप सेलेक्ट कर लें, फिर राइट क्लिक, फिर फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट एंड ओके एंटर मारते हैं, ये आपका डिग्री हो गया। जैसे आपको 10 स्क्वायर लिखना है तो 102, अब मैं इस 2 को सेलेक्ट करता हूँ,
और इसके फॉन्ट पे जाता हूँ और यहाँ अब मैं इसको सुपर स्क्रिप्ट करता हूँ, एंटर मारता हूँ। एंटर मारते हट गया क्यों? क्योंकि नंबर पे, हेलो कुछ बोले सर? हेलो, हाँ हेलो जी सर, आगे हाँ सॉरी सर, ठीक अब आ रहा है, मेरे नेट में प्रॉब्लम था सर। हाँ वह यहाँ पे सिंगल कोड के साथ 102 को लिखें और इस 2 के ऊपर आप जो है सुपर स्क्रिप्ट लगा दें, ठीक है? तो सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट नंबर पे अप्लीकेबल नहीं होता है, उस नंबर को अगर आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं देन यू कैन अप्लाई है। अब मान लीजिए कि ऊपर तो कर रहा है, मान लो कभी नीचे करना हो, जैसे वाटर का केमिस्ट्री फॉर्म H2O होता है, मुझे 2 को नीचे करना है, जनरली हम लोग 10th में पढ़े थे इसको, तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सब सर रिकॉर्डिंग का, सर रिकॉर्डिंग का परमिशन नहीं मिला। प्रदीप जी आप रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे क्लास? सर मुझे जो मेरा लैपटॉप में कुछ मेमोरी कम है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तो इसलिए तो यहाँ मेरा दूसरा सर एक और चीज है, आप जो करते हो ना हाँ? वो मेरे ऑटोमेटिक एक बार दिमाग में चला जाता है, मुझे मैं दोबारा वो लग रहा है बचपन में आपने बहुत सारे बादाम खाए हुए हैं, हम भी खाए होते हैं। नहीं सर नहीं, मुझे अगर आप एक बार करके दिखा देंगे तो याद हो जाता है, आप मुझे नोट्स देंगे ना। वही तो बोल रहा हूँ कि बादाम हम लोग दो एक दो पीस खाए थे, लग रहा है आप लोग एक आध केजी खाए होंगे। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहा हूँ सर। चलिए अच्छी बात है ना, सुनकर अच्छा लगा कि आपको याद हो जाता है, मेरी मेहनत कमेगी, जितना आप याद करेंगे उतनी मुझे कम मेहनत करना पड़ेगा। और मेरा सर अभी तक का एक्सपीरियंस ही रहा है, अगर आप कोई भी चीज देखते ना, जैसे मूवी आप देखेंगे ना तो आपको याद रहती है, हाँ। अगर उसी चीज का अगर मैं आपको किताब दूं तो आपको किताब याद नहीं रहेगी। राइट सर, सही बोल रहे आप, तो आप जितना देख सकते हैं उसको बहुत जल्दी आपके माइंड में चला जाता है। तो यहाँ ये हो गया, तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट समझ में आया? जी सर। तो अब जैसे कि बोलोगे सर ये तो बेसिक सी चीज है, इसकी जरूरत क्या पड़ती है? तो सर जैसे मान लीजिए कल के डेट में अगर आपको इसमें एक्सेल में ही आपको ऑटोमेटेड जो लेटर्स वगैरह होते हैं लेटर्स, या फिर एक मैंने बनाया था इसका क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस लेटर बनाया था, एक्सपीरियंस लेटर मतलब कि कंपनी हमारी बंद हो गई थी और तकरीबन 1600 लोगों को एक्सपीरियंस लेटर देना था, तो हमने एक्सेल पे डेटा रखा था और एक्सेल पे वीलू के बगैर लगा के और हमने यहाँ पे उठा लिया था, ठीक है? चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए हम कुछ नंबर्स यहाँ लिखते हैं, कुछ नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर अब मान लीजिए ये नंबर्स में कुछ नंबर्स अगर मान लीजिए हमें मतलब कि गलत लगे, गलत के लिए क्या करेंगे? अगर आपके पास पेन पेंसिल होगा, हार्ड कॉपी में होगा तो उसको आप पेंसिल से क्रॉस कर देंगे। लेकिन इस पे एक्सेल में कैसे करेंगे? तो इसके दो तीन तरीके, पहला है कि मैं इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाऊंगा और फॉर्मेट में हमारे पास बॉर्डर है, बॉर्डर में मैं यहाँ से बॉर्डर की साइज लूंगा और यहाँ से बॉर्डर की मैं कलर लूंगा और फिर मैं यहां से इसको और इसको ठीक है कर दूंगा, तो एक गलत दिख रहा है आपका, ठीक है सर? आपको सही का निशान चाहिए तो इसी में आपका फॉर्मेट सेल में इसको सेलेक्ट कीजिए और अपना कलर कोई और सेलेक्ट करना कर लीजिए, जरूरत नहीं है कलर लेना, लेकिन एज पर फॉर्मेटिंग हमें लेंगे अच्छा रहेगा, ठीक है सर? लेकिन ये तो जो आपने लगाया इट्स फॉर्मेट,
इसके बिहाफ पे आप कोई कंडीशंस या इसके बिहाफ पे आप कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगा सकते हो, फिल्टर वगैरह नहीं लगा सकते हो। सर हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे हम फिल्टर वगैरह और फॉर्म ये चीजें लगा सके, तो उस केस में क्या करेंगे? तो चलिए उसके लिए हम आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है सर। तो यहां पे हम कैप्स में लिखेंगे पी को, कैप्स में लिखेंगे, और इसके ऊपर एक फॉन्ट होता है ब्रिटैनिक बोल्ड, नहीं बाइंडिंग टू फॉन्ट, सबसे लास्ट में आएगा बाइंडिंग टू, हाँ बाइंडिंग टू होता है। तो वो क्या करेगा कि उसको कन्वर्ट कर देगा। तो फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट आपके टेक्स्ट को एक अलग व्यू में, एक अलग फॉर्मेट में आपको शो करता है। तो मैंने यहाँ पे पी लिखा तो पी को इसने टिक का निशान में कन्वर्ट कर दिया, ओ लिखूंगा तो उसको क्रॉस कर देगा। आगे चल के इस पे फॉर्मूला या फंक्शन लगाना होगा तो क्या करेंगे हम, ओ और पी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, लेकिन कभी क्या है कि ये फॉन्ट आपका विंडो का पार्ट होता है। हो सकता है कि इन फ्यूचर में आपका कोई ऐसा विंडो हो जिसका ये फॉन्ट उड़ गया होगा या डिलीट हो गया होगा, तो आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम पे है नहीं, फिर आपको इस तरह का चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैप्स में जे लिखेंगे और हमारे पास अलाइनमेंट में ये होता है -45 डिग्री के एंगल पे इसको रोटेट कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा। अब एक चीज नोट कीजिए आप दोनों आदमी, अलाइनमेंट जो मैंने अभी आपको बताया उसका ये तो चलो यूज है, लेकिन ये यूज उतना कारगर नहीं है। मुझे इसी तरह का एक यूज, अच्छा खासा यूज आप मुझे बताइए जिसका इस्तेमाल हम करें कर सके। ठीक है, उसके बाद आपका रैप है, रैप को रैप देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सुजीत लिखा एंड कुमार लिखता हूँ तो ये इसकी आपका इससे बाहर चला जाता है, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका ऑटो फिट हो जाता है। आप कॉलम बड़ा नहीं करना चाहते हैं तो रैप कर देंगे तो रोज बड़ा होगा। अब रैप की बात आती है तो इसमें एक चीज और भी होता है कि मैं चाहता हूँ मैं टाइप करते समय चेंज कर सकूँ अपने हिसाब से, क्योंकि रैप क्लिक करने पर तो अपने हिसाब से करता है स्पेस और बाकी चीज लेके। फिर मैं यहाँ पे ऑल्ट एंटर प्रेस करूंगा तो देखिये नीचे टूट के आ जाएगा, ऑल्ट एंटर। तो ऑल्ट एंटर शॉर्टकट होता है जहां से अपने हिसाब से तोड़ना चाहते हो। तो रैप टेक्स्ट करने से कॉलम आपका बढ़ जाता है, लेकिन मेरा रो बढ़ जाता है। ऑटो फिट करने से कॉलम बढ़ता है, तो ना मैं कॉलम बढ़ाना चाहता हूं ना रो बढ़ाना चाहता हूं, तो उस केस में मैं फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा और यहां पे हमारे पास आता है श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट क्या करेगा कि जितना बड़ा कॉलम का साइज है उतना ही एरिया में उसको फिट कर देगा, श्रिंक टू फिट। जब आप कॉलम को बड़ा करेंगे तो अपने आप को बड़ा करेगा, वो भी अपने ओरिजिनल साइज तक। ठीक है, उसके बाद मर्ज बता है यहाँ पे, मतलब कई सारे सेल्स को आपको मर्ज करना है तो मर्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, तो करते ही आप। लेकिन मर्ज में एक और होता है अक्रॉस, मर्ज अक्रॉस, तो वो सिर्फ कॉलम को मर्ज करता है, रो को मर्ज नहीं करता है। देखिए नहीं किया, तो इसका यूज भी हम लोग फॉर्म फॉन्ट इसमें फॉर्म वगैरह बनाने पे करते हैं। उसके बाद इसमें आगे नेक्स्ट आता है आपका नंबर फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग सर इम्पोर्टेंट है। नंबर फॉर्मेटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है इस चीज को जान लीजिए, क्योंकि जैसे कि हम लोग एक्सेल में सबसे ज्यादा यूज नंबर को ही करते हैं, तो नंबर जो यूज करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो नंबर हम इस्तेमाल कर रहे हैं
वो क्या है। तो अगर आपने कोई फॉर्मेट नहीं दिया तो ऑटोमेटिक वो जनरल फॉर्मेट होगा और वो जनरल फॉर्मेट में जैसा टाइप करेंगे चला जाएगा। नंबर टाइप किया तो नंबर बन जाएगा, डेट टाइप किया तो डेट बन जाएगा, टेक्स्ट करोगे तो टेक्स्ट बन जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे नंबर डिफाइन कर सकते कि नंबर हो जाए, इसमें आप ना नंबर का डेसिमल प्लेसेस दे सकते हो, थाउजेंड सेपरेटर, और नीचे जो आप देख रहे हो ये होता है आपका निगेटिव्स, कि अगर आपका निगेटिव में वैल्यू आए तो क्या दिखना चाहिए, माइनस होना चाहिए या सिर्फ रेड होना चाहिए या ब्रैकेट लगना चाहिए या फिर ब्रैकेट और दोनों होना चाहिए। सेम करेंसी, यहाँ पे आप करेंसी का सिंबल लगा सकते हैं, करेंसी का नेम दे सकते हैं, ये जो करेंसी कोड दे सकते हैं जैसे INR, ऐसे करेंसी कोड भी दे सकते हैं। अकाउंटिंग का सिर्फ करेंसी कोड हम देते हैं, करेंसी या करेंसी सिंबल एंड कोड देते हैं, लेकिन एक चीज और होता है इसमें, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक छोटा सा डेटा है, मैं एक छोटा सा डेटा क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, और बीच बीच में हमारा जीरो कर देते हैं, तो यहाँ जीरो सही से नहीं दिख रहा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल, और यहां पे हम अकाउंटिंग में नन कर देंगे और डेसिमल प्लेसेस को जीरो कर दीजिए एंड ओके, तो ये आपका डैश दिख जाएगा। ठीक है सर, तो बाकी नेक्स्ट जो आता है हमारा कस्टम फॉर्मेटिंग आता है, वो कस्टम फॉर्मेटिंग हम आपको कल अगली क्लास से बताएंगे।